अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज लंच पे हम बनाने जा रहे हैं दही की कढ़ी, वो भी भजियों के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दही की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम दही है। इसे मैंने अच्छे से इसे फेंट लिया है और अब इसमें हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, जीरा पाउडर है और अपना अकॉर्डिंग टू द टेस्ट मेरे पास नमक है। तो मैंने धनिया एक बड़ा सा चम्मच लिया है, मिर्ची मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है, धनिया का हल्दी सॉरी जीरा पाउडर है ये मेरे पास, वो मैंने एक चम्मच छोटे चम्मच लिया है और आधा छोटे चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, हल्दी भी आधी चम्मच ली है मैंने और अपना टेस्ट के लिए मैंने नमक अपने आप हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब इसे हम करेंगे मिक्स दही के अंदर और इसी में अब जाएगा हमारा दो बड़ा चम्मच जाएगा बेसन, एक और ये हो गया दो बेसन और जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मेरे पास, दोनों मिक्स है अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी इसी में जाएगा। अब हम इसे पहले लम्स फ्री कर देते हैं, अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए ये हमारा लम्स फ्री एक बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा इसे लिक्विड फॉर्म में हमें करना है, लगभग एक गिलास या दो गिलास पानी डालिए। मैंने यहाँ पे पूरा एक गिलास पानी डाला है, बड़ा सा गिलास, और फिर इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। और यह हमारा दही भी पानी में अच्छे से घुल चुका है, अब इसे हम एक खुले बर्तन में छान लेंगे। तो ये मेरे पास देखिए तो ये देखिए ये मैंने बड़ा सा खुला सा बर्तन ले लिया है, इसी में मैं अब इसे छान लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा लेफ्ट ओवर है जो मसालों का, ये पूरा ऊपर आ चुका है। अब इसी के अंदर हम लगातार पानी डालते जाएंगे और छानते जाएंगे। लगभग एक लीटर मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए ये हमारा जो है ये लेफ्ट ओवर बच चुका है, ये हमें इसमें नहीं डालना, ये हमें डिस्कार्ड कर देना है। और पानी में डालूंगी क्योंकि हम पानी जो इसमें डाल रहे हैं जब वो कढ़ी पकेगी हमारी, तो वो पानी और बेसन भी हमने जो डाला है ना उसके हिसाब से वो पकते पकते गाढ़ी होगी। तो लगभग एक से मैंने सवा लीटर पानी डाला कि पहले एक गिलास मैंने पानी डाला था बड़ा सा और अब मैंने एक गिलास पानी डाला। तो ये देखिए इसका लेफ्ट ओवर यहाँ बचा है, इसे हम निचोड़ लेते हैं और ये हमारा दही का पानी ये देखिए नीचे। अब हम इसे गैस पे पकने के लिए रख देते हैं लगभग 15 से 20 मिनट में, ये अच्छे से पक पक के धीमी आंच पे पहले एक बार बॉईल करेंगे हम इसे और एक बार बॉईल होने के बाद में फिर इसे धीमी आंच पे लगभग 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे इसे, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये यहाँ देखिए बॉईल हमारा आना शुरू हो गई हमारी कढ़ी में, तो अब मैं इसे लगभग कर देती हूँ धीमा, स्लो आंच पे मैं इसे पकाऊंगी अब 15 मिनट तक, जब अब तक ये और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए ये और अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी और पक जाएगी और बीच बीच में मैंने इसे चलाती भी रही, जब तक इसका बॉयल नहीं आने हुआ तब तक मैं इसे चलाती रही बीच बीच में और हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो लगभग 5 मिनट से ये मेरी धीमी आँच पर ये पक रही है और देखिए ये लगातार गाढ़ी होती जा रही है, मैं इसे और 10 मिनट पकाऊँगी। और मैं अब इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ मेरे पास अनियन है, इसे मैंने स्लाइस कर लिया, ये भी जाएगा इसी में और फिर इसे वापस हम 10 मिनट तक कुक करेंगे ऐसी धीमी आंच पे। ये कढ़ी हमारी हो गई है गाढ़ी पक पक के और यही स्टेज में हम मैं कर लेती हूँ अपना चूल्हा बंद क्योंकि मेरी कढ़ी हो गई है रेडी। अब मैं इसके फुलके तैयार कर लेती हूँ, यानी भजिए। तो देखिए भजिए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अनियन लिया है, लास्ट साइज अनियन है, इसके अंदर धनिया पुदीना और 4 मैंने हरी मिर्ची डाली है और इसे बारीक सा चॉप कर लिया चॉपर में, अगर आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। और अब ये है मेरे पास कुछ सूखे मसाले जो है हल्दी, मिर्ची, नमक, जीरा और एक छोटा सा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर अदरक लहसुन नहीं डालना चाहे तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और वैसे भी वो जो
नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिए, और मैंने थोड़ा लाल मिर्ची इसमें कम डाले क्योंकि हरी मिर्ची भी है उसमें इसीलिए। तो अब ये जाएगा इसके अंदर और हम इसे करेंगे मिक्स। पहले डालेंगे इसके अंदर बेसन। अब बेसन इसमें आप अकॉर्डिंग डालिए कि आप फुलके कितने बना रहे हैं। ये तो मेरे बच्चे जो है ये मैं कढ़ी में भी डालूंगी और थोड़े बच्चे भी खा लेंगे, तो ये मेरा ज़्यादा है तो मैं इसमें लगभग 4-5 डालती हूँ। 5 हो गए। अब इसे मैं करती हूँ मिक्स, पानी आपको जैसा क्वांटिटी लगे। और जो ये फुलके बनाना नेसेसरी नहीं है, कई लोग तो बिना फुलके के भी कढ़ी खा लेते, पर हमारे यहाँ तो डलते ही डलते हैं, भजिए तो हम डालते हैं, और कोई कोई तो भजिए में प्याज ये सब नहीं डालता है, खाली बेसन के होते हैं। पर मुझे तो प्याज वाले ही पसंद आते हैं क्योंकि बचपन से हमारे यहाँ तो प्याज वाले ही बने हैं। तो ये पानी में गया और अब मैं इसे अच्छे से बैटर को कर लेती हूँ मिक्स। तो देखिए ये हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है फुलकों का अब, और तेल भी यहाँ पे मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसी में अपना तलते जाऊँगी, फटाफट से डालते जाएंगे और हम तलते जाएंगे। तेल ज़्यादा गर्म हो गया है मेरा तो मैं इसे थोड़ा स्लो कर लूँगी और फिर इसे मैं तलते जाऊँगी, फिर फास्ट करूँगी, फिर स्लो करूँगी, ऐसे करके तलते जाएंगे। तो देखिए भजिया हो गए हैं मेरे तैयार। अब मैं गर्मा गर्म ही कढ़ाई में अपने कढ़ी में डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया और फिर मैं इसे डायरेक्टली इसमें से निकालूंगी और उसमें मैं गर्म ही हम भजिया डालेंगे क्योंकि उसका जो कढ़ी का जो फ्लेवर है और भजिया का फ्लेवर है आपस में एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और कढ़ी का भी फ्लेवर भजियों में अच्छे से घुल जाएगा। तो अब हम ऐसे ही इसे तलते जाएंगे और कढ़ी में हमारी छोड़ती जाएंगे। तो ये सारे भजिए मैंने इसमें तल के डाल दिए, देखिए इतना खूबसूरत लग रही है मेरी कढ़ी। और अब डन हो गया है, मेरी कढ़ी बनके रेडी है, पर सिर्फ अब ये हमें इसे बघार देना है। तो अब स्टार्ट करते हैं बघार की तैयारी। तो देखिए मैंने तेल कम कर लिया है, वही कढ़ाई है जिसमें हमने भजिए तले थे, और यहाँ मेरा बघार का सामान रेडी है। हरी मिर्ची है, लाल मिर्ची है, दो ले लिए मैंने अच्छा खासा, बहुत लहसुन ले लिया है, कड़ी पत्ता है, जीरा है, राई है। तो अब मैं सबसे पहले इसमें हरी मिर्ची डालूंगी तो ये थोड़ा सा लाल हो जाएगी और तेल भी अच्छा मेरा गर्म हो गया है। अब जाएगा इसी के अंदर सारा हमारा ये लहसुन वसन सब मैं डालूंगी इसमें। डालूंगी मैं थोड़ी सी हींग इसमें और फिर थोड़ा 5 सेकेंड के लिए हम चलाएँगे और फिर इसे हम डाल देंगे हमारी कड़ी में। मेरा बघार भी हो गया है रेडी, खुशबू आने लग गई है बघार की, बहुत ही प्यारी प्यारी सनी सनी। अब हम इसे में डाल देंगे इसे फटाक से। तो लीजिए तैयार है हमारी फुलके वाली कढ़ी यानी भजियों की कढ़ी। देखिए बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है बेसन की, और तड़का जो हमने लगाया है उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये जो मेरे फुलके हैं बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम कढ़ी में जो है वो डूब के बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। तो मैं अब देखिए आपको एक काट के बताती हूँ। और ये जो हमारी कढ़ी है वो भी अच्छे से देखिए इसकी थिकनेस देखिए बहुत ही अच्छे से बनी है। चलिए मैं भी आपको इसे कट करके बताती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है और जूसी, देखिए अंदर से भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हुई है। देखिए अब मैं इसे चख लूँ। बहुत ही अच्छी बनी है और टेस्ट मिर्ची मसाला सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर आप इस स्टेज पे अगर चख के नमक भी अगर आप ऐड करना चाहें तो इसमें भी आप कर सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। चावलों के साथ तो बहुत ही बेस्ट लगेगी, और ट्राई कीजिए डिनर या लंच में, और कमेंट्स करके प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।